क्या हुस्न है, शबाब है, क्या रंग रूप है। वो भीड़ में भी जाए तो तन्हा दिखाई दे, और भीड़ में इसी तरह तन्हा नजर आने वाला एक शायर, दक्कनी जबान का एक शायर सुलेमान खतीब आपके सामने तशरीफ ला रहा है। समाप्त कीजिए सुलेमान खतीब साहब को, जिनकी दक्कनी जबान की शायरी में आपको मिठास भी मिलेगी और खटास भी। आइए सुलेमान खतीब साहब। जनाब, इस नज्म का उन्वान है छोरा छोरी। एक लड़के की माँ लड़की के घर आती है और लड़की की माँ पूछती है, बोलो काला मिजाज कैसे हैं, कितने बरसों के बाद आई हो, मिस्सी होंठों पे आंख में काजल, जैसे पैगाम को लाई हो। लड़की की माँ बोली, मेरे छोरे को छोरी होना है, मेरे छोरे को छोरी होना है, मेरा छोरा तो पक्का सोना है, तुम्हें दिल में जरा न को सोचो, हाथ आया सो हीरा खोना है, चार लोगा में उसकी अबरू है, जैसे केवड़े के बन में खुशबू है, चार लोगा में उसकी अबरू है, जैसे केवड़े के बन में खुशबू है, खुले दिल की हूँ सब बताती हूँ, खुला मुकलाच मैं सुनाती हूँ, छोरा त्रिपट है, छोरा तिरछा है, हौर लुल्ला है, सीधी आंखी में उसकी फुल्ला है, मुंह पर चेचक के खाली दागा है, रंग डामर से जर्रा खुला है, रंग डामर से जर्रा खुला है, नाक नक्शे का कितना अच्छा है, मेरा बच्चा तो बोर बच्चा है, इसके दादा भी सौ पो भारी थे, यूं तो कमजात के मदारी थे, कौले झाड़ा की सेंधी पीते थे, क्या सलीखे का जीना जीते थे, पी को निकले तो झाड़ देते थे, बाबा दादा को गाड़ देते थे, अच्छे अच्छे शरीफ लोगों के जड़ से पंजे उखाड़ देते थे, भाई का दरवाजे बंद करते थे, बच्चे गोदा में डर को मरते थे। लड़के की माँ ने कहा, खाला ये तो दुनिया है, ऐसा होता है, कोई पाता है कोई खोता है, ऐसे वैसों के दिन भी फिरते हैं, सर से शाहों के ताज गिरते हैं, सर से शाहों के ताज गिरते हैं, मेरी बच्ची तो खैर जैसी है, बोलो मर्दी तुम्हारी कैसी है, बच्ची कैसी होना। ने लड़की की माँ बोली, छोरी फूला में फूल दिसना जी, छोरी फूला में फूल दिसना जी, भोली सूरत कबूल दिसना जी, उसके लखन से चांद नहीं पड़ना, चांद पावा की धूल दिसना जी, मुंह को देखे तो भूख सर जाना, प्यासे अंखिया की प्यास मर जाना, और लच के कमर तो बेत शर्मा, लच के कमर तो बेत शर्माना, लप के चोटियां तो नाक डर जाना, जुल्फा लोबान का धुआं दिसना, जुल्फा लोबान का धुआं दिसना, लाल होटा को गुंची मर जाना, अच्छे गुंची हो अच्छा पाऊं हो, घर में लक्ष्मी के सर की छाऊं हो, हंडा धोने की उसको आदत हो, बोझा ढोने की उसको आदत हो, सारे घरबार को खिला दे को, भुक्का सोने की उसको आदत हो, पाक सीता हो सच्ची माई हो, पूरी अल्लाह मियां की गाई हो, गल्ला काटे तो हंसते मर जाना, बेटी दुनिया में नाम कर जाना। दुल्हन की माँ ने कहा, खाला आप बातें मजे की कहते हैं, आपको क्या चाहिए। बोले भार वाले क्या डिमांड है आपका। तो खाला बोली, भार वाले तो बहुत पूछेंगे, घर का बच्चा है घर का जेवर दियो, रेडियो साइकिल तो दुनिया देती है, अल्लाह दे रहा है तो एक मोटर दियो, बहुत चीजा नको जी थोड़े बस, बहुत चीजा नको जी थोड़े बस, एक बंगला हजार जोड़े बस, घोड़ा जोड़ा क्या ले को धोना है, खाली 25,000 होना है। लड़की की माँ ने कहा, खाला हम इतना कहाँ से लाएंगे। तो लड़की की माँ ने कहा, तुम्हें कितने जलील लोग हैं, तुम्हें कितने जलील लोग हैं। लड़की का बाप आया और अपनी पगड़ी निकाल कर लड़के की माँ के कदमों में रखकर बोला, खाला जिसकी बच्ची जवान होती है, हाय हाय, खाला जिसकी बच्ची जवान होती है, किस मुसीबत में जान होती है, बूढ़े माँ बाप के कलीजे पर एक भारी चटान होती है, बहनें घर में जवान बैठी हैं, भाई चुप है के कह नहीं सकता,
ماں تو گل گل کے خود ہی مرتی ہے, باپ بیٹی کو سہ نہیں سکتا, جی میں آتا ہے اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے خود ہی دفنا دے. لال جوڑے تو دے نہیں سکتے, لال چادر میں کیوں نہ کفنا دے. یہ بھی دلہن ہے گھر چل جاتی ہے, موت مفلس کو کیا سہاتی ہے, یہ سہاگن ہے اس کو کھاندہ دو. ہم نے خونے جگر سے پالا ہے, اس کی تربت پہ یہ بھی لکھ دینا زرپرستوں نے مارا ہے.